कैसे हो मेरे ऑटो वाले दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट शेफ धीरज। अमेजोन का हम लोगों को काफ़ी समय से इंतज़ार है, हर कोई इसका इंतज़ार ही कर रहा है कि कब वो आए, हम उससे अपने टाई अप्स करवाएं। पर अब इस समय जब जबकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि अब अमेजोन आएगा क्या होगा, तो अमेजोन ने आज अगर हम लोग बात करें 21 मई 2020 को अपनी फूड डिलीवरी सर्विसेज स्टार्ट कर दी हैं बेंगलुरु से। ये सेम वही एरियाज़ हैं जिनके ऊपर मैंने पहले वीडियोस बनाई थी और बताया था कि इन सिलेक्टेड एरियाज़ में अमेजोन काम करेगा अपने सबसे पहले। तो इस सिचुएशन में जिसमें कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि फूड डिलीवरी सर्विस स्टार्ट होगी, अमेजोन ने अपनी सर्विस स्टार्ट कर दी है। अब जो ये ऐप है इनका, ये अमेजोन फूड के नाम से होगा, पर ये सेम आपका जो नॉर्मल अमेजोन का ऐप है उसके अंदर ही होगा। अब कुछ जो एरियाज़ है सिलेक्टेड बेंगलुरु के, मैं आपको उनके नाम भी बता देता हूँ। ये पहला है बेलंदूर, दूसरा है हमारा व्हाइट फील्ड, तीसरा है मरथली और चौथा है हमारा हालालू। तो ये चौथे कुछ सिलेक्टेड एरियाज़ हैं जहाँ पे कि अमेजोन काम करेगा। इसके अलावा जो कि वहाँ के लोकल रेस्टोरेंट्स हैं और क्लाउड किचन है, जी हाँ, दोनों रेस्टोरेंट्स और क्लाउड किचन, उनके साथ उन्होंने टाई अप्स करे हैं और टाई अप्स भी उन्होंने उन्हीं लोगों के साथ करे हैं जो कि हाइजीनिक सर्टिफाइड हैं। जी हाँ, उन्होंने उनके अपने मापदंड हैं अमेज़ॉन वालों के, जिनके के ऊपर अगर वो रेस्टोरेंट्स और क्लाउड किचन खरे उतर रहे हैं तो वो उनके साथ टाई अप्स कर रहे हैं। साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि ये लोग कॉन्टैक्ट लेस डिलीवरी करेंगे फूड की, कि कहने का मतलब है कि वो कि जो भी कस्टमर होगा और जो भी उनका डिलीवरी बॉय होगा वो उनको टच नहीं करेगा, वो उनके घर के बाहर खाना रख के चला जाएगा, जैसे कि सेम जोमेटो और स्विगी कर रहे हैं। जब इस समय लगभग 1,000 इम्प्लॉयज़ को जो कि स्विगी के क्लाउड किचन में काम कर रहे थे, द बाउल कंपनी और होमली में, उनको निकाल दिया गया है, तो एक अच्छी खबर हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की नौकरी गई है इसमें। हो सकता है कुछ बेंगलुरु वाले एरिया में तो राहत मिले। बाकी उनका ये भी कहना है कि वो आने वाले समय में धीरे धीरे इस डिलीवरी को और दूसरे एरियाज़ में भी ले जाएंगे और पूरे फिर इंडिया में इसको स्टार्ट कर देंगे। तो एक बहुत ही अच्छी खबर है। तो जो भी अपना क्लाउड किचन स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ अपना माइंड मेकअप कर लीजिए। आप चाहे तो मेरे से कंसल्ट भी कर सकते हैं, मेरे क्लाउड किचन का कोर्स ले सकते हैं और आप एडवांस में ही प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको अपने क्लाउड किचन की इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी, लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या होंगी, मैन पावर, इक्विपमेंट सब के बारे में। बाकी ये अमेजोन वाली खबर तो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि अमेजोन अब वाकई में स्टार्ट हो चुका है बेंगलुरु के अंदर। तो बाकी कुछ भी आपको चाहिए क्लाउड किचन की नॉलेज इन्फॉर्मेशन, तो मेरे नीचे एक ग्रुप है जिसका कि मैंने नीचे लिंक दिया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पे क्लाउड किचन के से जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो डालता रहता हूँ और साथ साथ उसमें मैं होम बेस्ड क्लाउड किचन के बारे में भी, जो मैं एक सोच रहा था कि कुछ ऐसा लोगों को बताया जाए जिसमें कि उनकी और भी इन्वेस्टमेंट लो हो जाए, वो उसमें भी मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो चलिए, मुझे बता देना नए टॉपिक्स पे, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।